राम जय राम जय जय राम सच्चिदानंद भगवान की सनातन धर्म की। हम सब अनुभवों के पुतले हैं, अनुभवों के। हमारे पास अनुभूतियों के अलावा और कुछ नहीं। बैठे हैं, खड़े हैं, सुखी हैं, दुखी हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं। आपको जो एक्सपीरियंस हो रहे हैं वही आप हैं। स्वप्न में भी आपको जो अनुभव हो रहे थे वही आप थे, जागे तब आप वो हैं जो जग के अनुभव करते हैं। जब आप मुक्त होंगे तब आप मुक्त होंगे, वो आपका एक्सपीरियंस होगा। आप में कमी है ये आपका अनुभव है, आप में कोई कमी नहीं है ये भी आपका अनुभव होगा। कब होगा वो तुम जानो। लेकिन अनुभव आपको ही होगा, जो अनुभव आपका होगा वही आप हैं, चाहे क्षण भर को हैं चाहे देर तक को हैं। कुछ अनुभव हैं जो जिंदगी को पकड़ लेते हैं। शरीर आप हैं, ये आपको पकड़े हुए हैं। इस अनुभव के बाहर आप नहीं जा पा रहे। सो तो जाते हैं, सो जाने का मतलब अनुभव रहित तो हुए पर उस अनुभव को पार नहीं किया। पार जाने में और सो जाने में फर्क है। सो जाने पर आपको ये पता नहीं रहता कि मैं देह हूं, मैं दुखी हूं, पर जागने पर आप उसी अनुभव को फिर पकड़ लेते। अनुभव चेंज हो जाए ये दूसरी बात है, अनुभव सो जाए ये दूसरी बात है। एक गरीब सो जाए सुबह उठे गरीब होगा, एक गरीब आदमी जागृत में अमीर हो जाए अपने अनुभव में, अपने एक्सपीरियंस में, चाहे लॉटरी आ जाए, चाहे गड़ा धन मिल जाए, चाहे मेहनत से मिल जाए, ये सवाल नहीं है। पर आप जागृत में धनी हो जाएं तो इस अनुभव के पार अभी नहीं जाएंगे, सो जाएंगे सुबह उठेंगे अमीर होंगे। अपनी अनुभूतियों से रहित तो हो जाना, सो जाना ये बिल्कुल अलग बात है। और जागे हुए आप धनी हैं या नहीं हैं ये एक्सपीरियंस होना। तो जागृत में क्या आप कभी ऐसा अनुभव किया कि हम मनुष्य नहीं हैं? जबकि ग्रंथ कहते हैं ना हम मनुष्य, हम मनुष्य नहीं है। होगा जिसने लिखा है उसका ये अनुभव होगा, हम मनुष्य नहीं हैं, हम देवता नहीं हैं, हम यक्ष नहीं हैं, हम राक्षस नहीं हैं, हम धर्मात्मा नहीं हैं, हम पापी भी नहीं हैं। पापम न पुण्यम सौख्यम न दुखम, हम सुखी नहीं हैं, हम दुखी भी नहीं हैं। और आप अभी हैं, दुखी हैं तो सुखी होना चाह रहे, कम सुख है तो उसे बढ़ाना चाह रहे,
यदि सुख है तो उसको घटने नहीं देना चाहते। ये मेहनत आपकी चल रही है, ये प्रयत्न चल रहा है कि हम सुखी बने रहे। और बने किस में रहते हैं, चाहे वो सुखी होना धन पर निर्भर हो, किसी और सफलता पर निर्भर हो, पर निर्भर किसी पर हो, पर आप सुखी हैं ये आपकी अनुभूति पर जरूर निर्भर है। ये सुख की अनुभूति ही है, पर ये बात अलग है कि तुम्हें धन से होती है, किसी को पद से होती है, किसी को शादी से होती है, और किसी किसी को क्या अधिकतर थोड़ी थोड़ी देर सबकी होती है। कभी धनी होने की खुशी, पर अनमैरिड होने का दुख, कभी मैरिड होने की खुशी पर स्वभाव का तालमेल नहीं है इसका दुख। खिचड़ी पक रही है, खिचड़ी जानते हो ना, जिसमें सब कुछ मिला दिया जाए और पका लिया जाए। आप सब लोग दिन भर खिचड़ी पकाते रहते, अभी ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है जिस अनुभव में खतरा न रहे। धनी होने में खतरा है, मैरिड होने में खतरा है, जवान होने में खतरा है, जीने में भी, बोलो नहीं है ना, जीने में कोई खतरा नहीं। तो जो आपके जिंदगी के अनुभव हैं, अब जीते क्यों हैं, आपको पता है क्यों जीते हैं, आपके जीने का क्या सबूत है? कहते पता चल रहा है कि हम हैं। यदि यही आपके अनुभव का सबूत है कि हमें पता है इसलिए जिंदा हैं, तो सोने में क्या मर गए थे? यदि मैं जिंदा हूं ये ख्याल ना हो तो आप जिंदा नहीं होंगे। और आप जन्मे हैं इसमें कारण क्या है? इस शरीर के जन्म के पहले का कोई आपको स्मरण नहीं है, यही जन्म। यदि इसके जन्म के पहले का स्मरण हो तो ये जन्म जन्म नहीं लगेगा। आप इस अरोड़वंशी धर्मशाला में आके बैठे हैं, आके बैठे हैं कि यहीं जन्मे? क्या सबूत है कि आप आके बैठे हैं? बैठे हैं ये तो है, आके बैठे हैं, इसके पहले की याद है कि हम स्कूटर से आए, कार से आए, इसके पहले कहां से वहां थे? यदि वहां का सब छोड़ लिया जाए तो आप अभी अभी यहीं पैदा हुए। यदि इसके पहले की सारी स्मृतियां आपसे छीन लें तो आप कहोगे अभी हैं, अभी हैं, पहले हमें पता नहीं। इसके पहले आपकी यदि स्मृतियां सारी छीन लें, कोई भी, सोने की, जगने की, लड़ने की, पढ़ने की, दुकान की, बच्चा खिलाने की, स्त्री के प्यार की, सारी स्मृतियां छीन लें, तो इस समय के पहले आप थे? पूछूंगा सबूत क्या है, बिना सबूत के आप बोलते क्यों हो? तो दूसरा उत्तर आप यही कहेंगे कि मुझे पता नहीं है कि इसके पहले थे। तो अब हम ये कहना चाहेंगे, थोड़ा अंदाज लगाओ कि यदि पता ना रहे इसके पहले का तो आप थे या नहीं। अभी अभी को पूछता हूं, जन्म का नहीं पूछता। इस अरोड़वंशी धर्मशाला में इस समय हैं, इसके पहले मैं था, इसके पहले आप थे, इसका क्या सबूत है? पहले साल आपने मेरा प्रवचन सुना था, मुझे भी याद है, आपको भी याद है। आपके अभी अभी जन्म की प्रतीति का हेतु इस समय का होना, इसके पहले के ख्याल का ना होना ही आपका जन्म है।
और यदि आप बिना इस स्मृतियों के भी थे ये स्वीकार कर लें तो मृत्यु के जन्म के पहले भी आप थे, इसमें स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जन्म के पहले की तुमको कोई स्मृति, इसके पहले भी इस समय आप आदमी क्यों हो, मनुष्य क्यों हो, क्या सबूत है, और मनुष्य ही हो, इसके अलावा कोई स्मृति नहीं है कि कभी आप गधा रहे, सुअर रहे, चूहा रहे, बिल्ली रहे, सांप रहे, कोई याद है आपको? यदि रहे होते या रहे होने की याद होती तो फिर आप कहते कि हम कोई आदमी ही थोड़ी सदा रहे हैं, हम तो ये भी रहे हैं, वो भी रहे हैं, वो भी रहे हैं। आप मनुष्य रहे हैं इस समय और मनुष्य ही हो जाना चाहते हैं, कल भी आप मनुष्य रहेंगे, इसके बीते कल में भी मनुष्य थे, कल क्या थे आप बोलो, आज क्या हो, शाम को प्रवचन में, कल प्रवचन में कौन आएगा, गधा बोलो, मनुष्य। ये ख्याल नहीं है कि मनुष्य होना भी टेम्परेरी है, जैसे एक घड़े को पहले भी कुछ बना रहा हो याद ना हो तो कहेगा मैं घड़ा हूं, कब से हो, बस जब तक की याद है, इतने वर्ष से, इतने दिनों से, इसके पहले मुझे पता नहीं, इसके बाद का क्या होगा, ये बनावट की तरफ, जिसकी स्मृति होती है, जिसका ज्ञान होता है, ज्ञान किसका हुआ, घड़े का, मिट्टी का नहीं, यदि मिट्टी होने का ज्ञान होता उसे तो घड़ा होने के पहले भी होता, आत्मज्ञान होता तो इसके पहले होने का भी सबूत होता। यदि आपको अपने होने का पता हो ना, शरीर के होने का नहीं, दुख के होने का नहीं, सुख के होने का नहीं, यदि आपको अपने होने का पता हो इन अनुभवों के बिना, तो फिर आपको अपने होने के अभाव का कभी ख्याल नहीं आएगा। अभी जितना हमें ज्ञान है उनका अभाव होता है, बचपन का अभाव हुआ, सुख का अभाव हुआ, दुख का अभाव हुआ, ये अभाव का ज्ञान हो जाता है, और यदि ये ना हो तो मुझे शायद अपने होने का सबूत ही नहीं है। आपको अपनी आत्मा के कारण आप हैं ऐसा नहीं, आप तो अनुभवों के कारण हैं, स्मरणों के कारण हैं, ज्ञान के कारण हैं, इस समय पर भी यहाँ हैं, केवल ज्ञान है आपको कि हैं। यदि यहाँ पर सोए होते या इंजेक्शन वहीं से दिला के फिर यहाँ लाते, बेहोशी का इंजेक्शन दे के यहाँ लाते, होश आने के पहले तुम्हें घर पहुंचा देते तो धर्मशाला में आप आए हो बोलो, तो आप कब, जब आप हो, फिर तो बॉडी आई होगी, बेहोशी के बाद लाए गए तो बॉडी आई, पर आप ये भी नहीं कह सकते कि लाई गई कि नहीं, ये भी कोई दूसरा बताएगा कि आपकी बॉडी को ले आए थे, जैसे डेड बॉडी को लोग मंदिर ले जाएं, गुरुद्वारे ले जाएं, गंगा जी ले जाएं, उसको तो पता भी नहीं होगा कि मुझे गंगा जी ले गए हैं, ले जाते हो ना मरने के बाद, अब उस बिचारे को क्या पता, सोए हुए या बेहोश व्यक्ति को और मरे व्यक्ति को, कहीं ले आओ कहीं ले जाओ, जब वो होश में था कहाँ था और जब होश में होगा वहां होगा, इसके बीच में उसे पता ही नहीं। इसीलिए जितने भी मरे व्यक्ति बता भी पाते हैं कभी कभी दूसरे जन्मों में, तो मृत्यु के समय तक का बताते हैं, उसके पहले का जब यादें आती हैं, वहां रहते थे, मरते समय किसने मारा, कैसे जलाया, कहाँ घेर लिया था, ये बता पाते हैं।
मरने के बाद और जन्म के बीच का कुछ नहीं बताते। हम लोगों पर इल्जाम लगता है कि इनको पानी और लहर के अलावा, सोना और गहने के अलावा, मिट्टी और बर्तन के अलावा, सांप और रस्सी के अलावा, स्वप्नों के और साक्षी के अलावा इन्हें कुछ आता ही नहीं। तो हम ये कहेंगे जिसको ये आता नहीं उसको कुछ आता ही नहीं। चाहे कितनी कथा करता हो, जिसको ये नहीं आता उसको कुछ भी नहीं आता। और दूसरा बता दो, यदि ये उदाहरण तुम दे लेते हो तो मैं नहीं मानता कि तुम जान गए, क्योंकि उदाहरण तो आज ही सुन के तुम्हारा बच्चा, 5-7 वर्ष के बच्चे को लाना, ये सारे उदाहरण तुम्हें घर में समझा देगा। पर ये बात कि लहर का वेश जल है, गहनों का वेश सोना है, सृष्टि का वेश मैं हूं, मैं मेरा वेश कोई नहीं है, मैं ही हूं सब अनुभूतियों का वेश आधार। ये समझ गए हो? अभी तो कृष्ण की ही तुम्हें समझ नहीं आती, जब वो कहते सारी सृष्टि का पिता मैं हूं, सारी सृष्टि मुझसे हुई है। कौन मानता है? एक भी मुझे वैष्णव लाकर दिखाओ जो इस बात को स्वीकार करे ईमानदारी से। अर्जुन को खुद लगा कि तुम तो अभी पैदा हुए हो, सृष्टि के पिता कैसे हो सकते, और तुम्ही ने पहले ज्ञान दिया था, तुम तो मुझे ज्ञान दे रहे हो, मेरे से पहले जब तुम थे ही नहीं। थे ही नहीं का मतलब तुम कृष्ण का शरीर नहीं था। जब थे ही नहीं तो ज्ञान कैसे दोगे? कृष्ण कहेंगे मैं पहले भी था। जो कृष्ण शरीर के पहले पैदा होता है वो सीमित है, जो है वो असीम है। जैसे बुलबुले सीमित हैं, पानी असीम है, बर्तन मकान सीमित हैं, एक आकार विशेष का नाम है शकोरा, घड़ा, मकान, एक खास आकार का। मिट्टी किसका नाम है तुमसे मैं पूछता हूं, जो जो घड़े में नहीं रहती, परहेज करती, छोटे से परहेज है सकोरे से, बड़े बड़े मकानों में रहती। मिट्टी किसे बोलते हैं? जो। तो ब्रह्म कौन है? जो केवल यहां रहता है वहां रहता है, केवल यहां रहता है या केवल वहां रहता है यहां से परहेज है, जो भीतर रहता है बाहर नहीं रहता, जो बाहर रहता है भीतर नहीं रहता, जो सब में रहता है, बोलो। और सब में रहता है, फिर सब और वो दोनों रहते हैं कि वही अकेला रहता है? सब में वो रहता है कि जब वो देखता है तो अपने अलावा सब मिलते ही नहीं, वही अकेला ही रहता है, अकेला था। उसको ये नहीं कि सब नजर ना आए, सब नजर आए, सब बर्तन मकान नजर आए, पर मिट्टी को यदि पता हो या कोई घड़ा समझ गया हो कि मैं मिट्टी हूं तो उसको अपने अलावा कोई नजर नहीं आता। मयातिरिक्तम यद यदवा तत्तद मिथ्येति निश्चिन, मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं है। ऐसा कभी एक सेकंड भी ये समझ में आया है कि मेरे अलावा कुछ नहीं? इसलिए अभी बड़ी श्रद्धा से रोज सुनो। एक दिन में ज्ञानी बन के मत जाना, बहुत जल्दी ज्ञानी मानना खतरनाक है, भ्रम में ना जाना। कभी कभी मैं बोलता हूं कि जो बरसों मेरे साथ हैं वो भी क्लियर हो गए हों तो बधाई है, खेल नहीं है। तुम एक बार जान जाओ कि मेरे में सब कुछ है, मेरे से होता है, मेरे से हो रहा है, मेरे से हुआ है, मेरे में समाता है। और ये देखो, ये मन जिसको कहते हो, ये मन तुमसे होता है, तुम में रहता है, तुम में खो जाता है। कभी अनुभव किया कि मैं जल हूं, ये मन बुदबुदा है, मैं सोना हूं, ये मन गहना है,
क्षण भर रहता है और खो जाता है। अभी तो मैं खोया हूँ, लहरें जीवित हैं, सोना खोया है, गहने जिंदा हैं, ब्रह्म मर गया है, संसार जिंदा है, आत्मा मर गई है, अहंकार जिंदा है। कभी सोचो तो कि मैं कौन हूं। एक बार इतना ही क्लियर हो जाए फिर कोई काम बाकी नहीं रहता। फिर ये भी बाकी नहीं रहता कि ये ठीक है कि ये मेरी रक्षा तुम करो और ये क्या है। ये जितना है एक सत्य है सब सपना है, एक सत्य है सब कल्पना है, एक सत्य है देश है बाकी सब प्रतीति है, और सब हुआ है केवल एक ना हुआ है ना आगे कभी होगा। एक था है रहेगा, उस एक को हम जानते, एक को कोई कोई मानते तो हैं, उस एक को कोई कोई मानते तो हैं पर एक को जानते नहीं। और यदि एक है तो वहां रहता है कि यहां रहता है, वो कौन है और उस एक को कौन जानेगा। देखो उस एक को पेड़ नहीं जानेगा, उस एक को पहाड़ नहीं जानेगा, उस एक को पशु नहीं जानेगा, उस एक को आम मनुष्य नहीं जानेंगे। कोई बिरला इनमें से एक मनुष्य कोई बिरला जानेगा, और जो जानेगा वो क्या कहेगा, ये सब मुझसे हुआ है, ये सब मुझ में है, ये सब मुझ में लय हो जाता है, ऐसा जानेगा जो भी जानेगा। क्योंकि जानने वाला ही भ्रम में पड़ा है, और भ्रम का निवारण इसी का होगा। जो देह बन के बैठा है, जो मन बन के बैठा है, जो एक कल्पना में उलझा है, यही जानेगा मैं कौन हूं। ब्रह्म कभी नहीं जानेगा। जो जीव है इसलिए जीवो ब्रह्मैव ना परा, जीव को जानना है कि मैं देह हूं, कि मैं जीव हूं, कि मैं ब्रह्म हूं। और जो जीव जान जाएगा मैं ब्रह्म हूं, उस जीव को अपने अलावा कुछ नहीं मालूम पड़ेगा। जरा फिर ध्यान दें, जो जानता है कि मैं ब्रह्म हूं उसी का नाम ईश्वर है, जो अपने को ब्रह्म नहीं जानता उसी का नाम जीव है, और जो मैं ब्रह्म हूं नहीं जान सकता उसका नाम जानवर है, और जो मैं ब्रह्म हूं जानने की बात हो, जिसे मैं हूं का ही पता नहीं है वो जड़ पेड़ पहाड़ है, जिसे मैं हूं इतना भी ख्याल नहीं उसका नाम जड़ है। दीवाल को पता है मैं हूं, जिसको इतना भी ख्याल ना हो कि मैं हूं वो जड़ है। जिसे मैं हूं का तो ख्याल हो और खाता पीता जीता हो, और कोई है जानना है ऐसा किसी के ख्याल में ना आता हो, उसका नाम जानवर है। और जिसको मैं हूं ये पता तो है पर पसंद नहीं है मरना जीना, और ये उसका निजी अनुभव है, तो वो जो छूटना चाहता है सत्य को जानना चाहता है वो जिज्ञासु मनुष्य है, जिज्ञासु मनुष्य है। और जो जान चुका है वो ज्ञानी है, वो ब्रह्म है। जो जान चुका है ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवती, ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म हो जाता है। मंच वाले नहीं, चाहे जहां वाले, जमीन वाले, आसमान वाले, कपड़े लाल वाले, सफेद वाले, जो जान जाता है वह यही जानेगा कि मैं ब्रह्म हूं, मेरे अतिरिक्त और कोई सद वस्तु नहीं है। तो इसको जान करके जीवन धन्य होता है। अब आप थोड़ी देर ध्यान करें, जैसा बताऊं तैसा करना, ठीक है, पुरानी आदत से नहीं करना, नहीं तो तुम वही कर चलते हो, कहोगे ध्यान करने गए थे। अब आप आंख बंद करो, थोड़ा सा लंबी श्वास लो और फिर छोड़ दो, धीरे धीरे लंबी श्वास लो, जरा रील सीधी करो, खूब लंबी श्वास गले तक भरो, सिर तक ले जा सको तो कहने क्या है,
गुब्बारे की तरह शरीर को हवा से भरो, गले तक, सिर तक, छाती तक श्वास भरो और धीरे 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 छोड़ दो, गुब्बारे को फुलाओ, पूरे शरीर में हवा भर दो और धीरे धीरे छोड़ दो। अंदर होश में रहो, अंदर होश में रहना, चूंकि अभी तुम ब्रह्म नहीं हो, तुम्हें ब्रह्म होने का पता नहीं है, इसलिए जहां खड़े हो वहां से ले चलेंगे। बहुत धीरे धीरे, बहुत आनंद से, हाँ थोड़े लंबे हो जाओ श्वास लेते लेते, हाँ जैसे लंबे होते जा रहे हो, और कभी कभी श्वास लेते लेते गर्दन पीछे को भी चली जाए, जैसे हलवाई दूध फेंटता है, श्वास भरते 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 गर्दन पीछे को चली गई, छाती उभर गई, और फिर श्वास निकालते सीधे हो जाओ, श्वास भरते जाओ, पीछे को जाओ, गर्दन पीछे को चली जाए, श्वास निकालते वापस सीधे हो जाओ, बहुत अच्छे। पर होश में रहना, होश में रहना, बहुत अच्छे, बहुत प्रेम से, बहुत आनंद से, बहुत एकाग्रता से, क्योंकि इसकी तुम्हें जरूरत भी है, एकाग्रता की, प्रेम की, प्रसन्नता की। तो प्रेम प्रसन्नता मांगो नहीं, प्रेम पैदा करो, प्रसन्नता खड़ी करो, एकाग्रता स्वयं लाओ, पड़ोसी से मत मांगो, रो मत कि एकाग्रता नहीं आती, एकाग्र हो जाओ, किससे मांगना है, मैं सहयोग दे रहा हूं। खूब धीरे धीरे लंबी श्वास लो, धीरे धीरे, थकाने के लिए नहीं, आनंद के लिए, खूब धीरे धीरे लंबी श्वास लीजिए लीजिए, रीढ़ ऊपर का धड़ पीछे चला जाए और बीच का धड़ पीठ का आगे को हो जाए, जैसे धनुष होता है, पर आगे को धनुष नहीं बनो, पीछे को बनो, पीछे की तरफ को गर्दन ले जाओ, रीढ़ को आगे की तरफ, बीच का हिस्सा, पेट का हिस्सा आगे की तरफ श्वास लेते और फिर सीधे हो जाओ, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और अब दो उंगलियों से अपनी आंखें बंद करो, अंगूठों से कान, बंद तो पहले ही है, उंगलियों से आंखें बंद करो और अंगूठे से कान, और धीरे से फिर आराम की श्वास लो। अब सीधे बने रहना या थोड़ा आकाश की तरफ देखना, आंखें बंद, थोड़ा आकाश की तरफ देखो और श्वास लो और श्वास छोड़ो, बहुत अच्छे। थोड़ी देर आराम की श्वास लो, आराम की श्वास छोड़ो, पूरी एकाग्रता अपनी आंखों के पीछे ले आओ, सचमुच जैसे आकाश की तरफ देख रहे हो। जैसे चकोर देखता है चंद्रमा को, जैसे पपीहा प्यासों चिल्लाता है, जैसे मयूर बादल के गरजने से खुश होता है, ऐसे ही आप जरा आकाश की तरफ, मेरा परमात्मा आकाश से मिलता जुलता है, जैसे कई लोग कहते हैं मेरे महबूब की सूरत खुदा से मिलती जुलती है, मेरे मित्र की, मेरे प्यारे की, मेरे महबूब की सूरत खुदा से मिलती जुलती है, मोहब्बत की मोहब्बत है, इबादत की इबादत है, तो आकाश मेरे प्रभु से मिलता जुलता है। एक केवल कमी है कि इसमें चैतन्यता नहीं है, आकाश जड़ है, पर आत्मा ब्रह्म चेतन है, पर आकाश की तरह अलेप है, निर्विकार है, अनंत है, ऊपर जाओ, दाएं जाए, बाएं जाओ, जमीन का किनारा मिला, सूर्य का किनारा दिखता ही है, चंद्रमा का किनारा दिखता है,
तारे छोटे छोटे, आकाश कितना बड़ा, आदमी पशु पेड़ पहाड़ जमीन आसमान सारी दुनिया आकाश के अंदर है, आकाश के बाहर कोई दुनिया नहीं। लगभग लगभग परमात्मा के लक्षण मिलते हैं। पृथ्वी को फूंक दो, बम विस्फोट कर दो, आकाश को कोई नहीं फोड़ सकता, कोई काट नहीं थी। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता। आकाश का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, तुम आकाश को देखो। और अब आंखें मत खोलना, हाथ नीचे कर लो, हाथ नीचे करो पर देखते रहो आकाश की तरफ। गर्दन थोड़ी पीछे को करनी पड़े सर तो कर लो, नहीं करनी पड़े तो गर्दन सीधी रखो पर देखो आकाश की तरफ। बिल्कुल सीधे गर्दन रख के भी आकाश को देख सकते हो, केवल नजर ऊपर करो। दूसरा तरीका है नजर के साथ थोड़ा मुख को भी ऊपर को करो, गर्दन दुखे तो फिर सीधी करो, अच्छा लगे तो फिर गर्दन को पीछे की तरफ लटका दो और आकाश की तरफ देखो चकोर की तरह। पर वो चंद्रमा को देखता है, तुम्हें चंद्रमा नहीं देखना। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम, वहां सूर्य नहीं है, वहां चंद्रमा नहीं है, वहां बिजली नहीं है, ये आकाश के थोड़े हिस्से में है। आकाश तो ऐसा भी है जहां न चंद्रमा है न तारे हैं न बिजली है, और बताऊं ऐसा भी आकाश है जहां हवा भी नहीं है पानी भी नहीं है। बहुत ऐसा एरिया है जहां आकाश खाली आकाश है। ऐसे ही तुम वहां जाओ जहां ना आंखें हैं, अभी नहीं कुछ दिनों में वहां चलेंगे, जहां ना आंखें हैं न जहां कान न जहां मन न जहां बुद्धि और न जहां अहंकार। ये भी चंद्रमा सूरज तारों की तरह हैं, ये इंद्रियां और ये मन, मन चंद्रमा है, इंद्रियां तारे हैं, बुद्धि सूर्य है, और ईगो हवा है, ईगो हवा है। एक ऐसा भी एरिया है जहां ये कुछ भी नहीं है, हवा सूर्य चंद्रमा तारे खाली आकाश। पहले बाहर वाले खाली आकाश को देखो, फिर धीरे धीरे भीतर के अंतर आकाश में चले जाओ। थोड़ी देर के लिए तुम हो, न आंखें हैं न कान है न मन है न बुद्धि है न अहंकार है, एक शून्य है, एक शून्य। पर जड़ शून्य नहीं है, अचेतन शून्य नहीं है, आकाश की तरह खालीपन शून्य नहीं है, चैतन्य और निराकार है, चैतन्य और निराकार है, चैतन्य और निराकार है। अब सारी शर्तें छोड़ दो, आंख बंद रखो, अब सहज यदि आप आकाश का स्मरण करते हैं, आकाश के साथ तादात में करते हैं, थोड़ी देर आकाश से मिल जाओ। आकार आकार से मिलता है, निराकार निराकार से मिलता है, इसलिए आप खुद निराकार होकर निराकार से मिलो। जल होकर जल से मिला जा सकता है, जल जल से मिल जाता है, जमीन जमीन से मिल जाती है, तुम निराकार आकाश से मिल जाओ। तुम चैतन्य निराकार हो, चैतन्य निराकार जड़ निराकार से मिल जाओ। जड़ निराकार आकाश भूताकाश, तुम चिदाकाश, तुम चित्ताकाश, आकाश आकाश आकाश, आकार रहित हो जाओ। देह का आकार खो दो, इंद्रियां छोड़ दो, मन को भी, ये मन चंद्रमा है, ये मन हवा की तरह भगता है, भगने दो, ये हवा है, तुम हवा भी नहीं हो। ये इंद्रियां तारे हैं, मन हवा है या चंद्रमा है, ये बुद्धि सूर्य है, वहां कोई प्रकाश नहीं, वहां कोई प्रकाश नहीं। इस तरह जो प्रकाश है ये काल्पनिक है, ये जड़ प्रकाश है,
ये जड़ाकाश है, वो चिदाकाश है, वो चैतन्य ज्योति है, चैतन्यता है, चैतन्यता, इंद्रिय रहित चैतन्यता, इंद्रिय सहित चैतन्यता, सेंद्रिय चेतन, निरिंद्रिय चेतन, समनस चेतन, अमनस चेतन, विचार युक्त चैतन्य, निर्विचार चैतन्य, सीमित मैं, असीम मैं, और एक सेकंड, सीमित मैं यहाँ हूँ, वहाँ को जाता हूँ, यहाँ हूँ, वहाँ को देखता हूँ, इधर हूँ, उधर, नीचे हूँ, ऊपर, ये सीमित मैं है। इस सीमित मैं को खो जाने दो। असीम मैं, असीम मैं का नाम ब्रह्म है, अनंत, बेअंत, निराकार, निर्विकार, इस चेतन का अनुभव करो। अब धीरे से जितना कर रहे हो छोड़ दो, आंख बंद रखो, जो कर रहे हो छोड़ दो, जो सोच रहे हो छोड़ दो, साधना मत करो, सिर्फ चैतन्य और विश्राम। तुम चेतन हो और विश्राम में हो। करना इंद्रियों से होता है, जानना विषय ज्ञान इंद्रियों से होता है, सुख दुख ज्ञान मन से होता है, जानना न जाना बुद्धि के द्वारा होता है, हूँ नहीं हूँ ये ख्याल भी बुद्धि में पैदा होता है। इन सभी ख्यालों से मुक्त होकर सिर्फ चिन्मात्र सत्ता, चिन्मात्र, चेतन मात्र, न दृष्टा न दृश्य, न जानने वाला, न जानने में आने का कोई सवाल, चिन्ह मात्र। चिन्ह मात्र का मतलब चेतन मात्र, चेतन मात्र, न दृष्टा न दृश्य, न जानने वाला, न जानने योग्य कुछ है, न पाने वाला, न पाने योग्य कुछ है, केवल चिन्ह मात्र सत्ता है, केवल चैतन्य, चैतन्यो हम, चैतन्यो हम, चैतन्यो हम, चैतन्यो हम। बहुत अच्छे, अब धीरज से विश्राम के साथ सहज भाव से छोड़ें, सहज भाव से, बहुत अच्छे। सहज भाव से धीरे से छोड़िए। किसी तरह की संशय हो, प्रश्न हो, वो धीरे धीरे, और टांग दुखने का, और पेट दुखने का, सिर दुखने का, वो भी योगासनों में सीखें। अब ऐसे तो थोड़ा बहुत अपन भी बता देते हैं, पर जानते हो इंद्रियां होती हैं तो विषय है, मन होता है तो सुख दुख है, बुद्धि होती है तो ज्ञान अज्ञान है, अहंकार होता है तो सीमित और असीम का ख्याल आता है। इसलिए ये यात्रा एक बार पूरी हो जाए फिर कर्तव्य शेष नहीं रहता, फिर सब कुछ है तो कुछ नहीं है तो, ऐसा होता है तो क्यों, वैसा होता है तो क्यों, ये सब वैसे ही होता है। हाँ, फिर भी संशय नहीं होता, ज्ञानियों के जीवन में संशय नहीं रहता, विपर्य नहीं रहता, संदेह नहीं रहता, और बाकी कुछ कर लो, बिना गुरु के संशय नहीं मिटेगा, ध्यान भी लग जाएगा तो संशय रहेगा। सतगुरु मिले से जाए जीमी, संशय भ्रम समुदाय, संशय और भ्रम का समुदाय ज्ञान होने पर जाते हैं, और ज्ञान गुरु से ही होता है। इसलिए ये नहीं है कि कुछ नहीं होता बिना गुरु के, बिना गुरु के पत्नी होती है, बच्चे हो जाते हैं, कोई गधा घोड़ों के गुरु हैं क्या? आनंद नहीं मिलता, पेट नहीं भरता, ठंडी गर्मी नहीं लगती, ये तो प्राकृतिक ज्ञान है क्या इसमें? ये तो गुणात्मक ज्ञान है। इसलिए त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्थ, निस्त्रैगुण्य होने की बात है ज्ञानी के लिए, और गुरु की जरूरत है यदि यही सब ज्ञान कराना गुरु का। पर ये ज्ञान भी गुरु देते हैं, डॉक्टरी सिखाते हैं, मास्टरी सिखाते हैं, गुरु तो हर जगह चाहिए, पर गुरु दो तरह के होते हैं, सब कुछ सिखाने वाले, केवल ब्रह्म को पता न देने वाले।
ब्रह्म के अलावा सब कुछ सिखा देने वाले गुरु हैं, उसकी भी काफ़ी लंबी बाजार है, काफ़ी उनकी मार्केट चल रही है। और एक है ब्रह्म ज्ञान, और ब्रह्म ज्ञान का मतलब और सब अज्ञान केवल ब्रह्म ही ज्ञान स्वरूप है, और सब अध्यस्त अधिष्ठान ब्रह्म है, और सब कल्पित आत्मा ही वास्तविक है, और आत्मा से ही सब कुछ जाना जाता है, आत्मा के अतिरिक्त बोध स्वरूप कोई और नहीं है, और सब ज्ञान आत्मा का लेकर बुद्धि इंद्रियां भी अपना ज्योति अपना प्रकाश फैलाती हैं। चंद्रमा का अपना उजेला नहीं है, ये सूर्य से उजेला लेकर बांटता रहता है। ऐसे ही सारी दुनिया में चंद्रमा की तरह और भी सब ज्ञान हैं, पर हैं ये सब एक चैतन्य के, एक चैतन्य ही ज्ञान स्वरूप है। इतना ही कहकर अभी समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति।